तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल कोड वर्किंग प्रोफेशनल, और इसमें हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो अभी तक जो है आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग के बारे में जाना, जानने जैसी चीज क्या थी, तो ऑलरेडी आपको पहले से आता ही था कि कैसे कलर करेंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे बॉर्डर लगाएंगे, मर्ज सेल कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ये तो बेसिक चीजें थी। हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि मुझे अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है, तो जनरली जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कलर कर दिया, तो कलर हुआ जो सेल, जिस सेल में कलर हुआ C7, इसमें क्या टाइप किया गया है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इसमें जस्ट कलर करना है तो कलर कर दिया, राइट सर। लेकिन मुझे कलर करना है कंडीशन पे, जैसे कि मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 2000 है वो एक कलर हो, हमारी कॉलम ही जिसका हेडिंग ओवर टाइम है, इस कॉलम कॉलम में अगर ग्रेटर देन 2000 है तो कलर करे, अदरवाइज कलर ना करे। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ कई सारे कैटेगरीज हैं। ये सबसे पहला कैटेगरी हाईलाइट सेल्स रूल्स, तो सेल्स को हाईलाइट करने के लिए, तो सेल्स को हाईलाइट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो मुझे से हाईलाइट करना है ग्रेटर देन पे, मतलब किसी नंबर से बड़ा, यहां दिया हुआ ग्रेटर देन, तो यहां पे अगर मैं 2000 लिखता हूं तो 2000 से ऊपर वाले सारे कलर हो गए, लेकिन एक कलर हुआ है डिफॉल्ट, तो यहां से हम अपने चेंज कर सकते हैं कि यहां पे येलो हो, ग्रीन हो, रेड हो या अदर। तो इससे प्री प्री फॉर्मेटेड अगर चाहिए, हेलो हेलो, ये सब जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, आफिया जी का आवाज आ रहा है। हाँ आफिया जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे? तो यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, अगर इस प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं चाहिए खुद की फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे लास्ट में आता है कस्टम फॉर्मेट। इसमें कस्टम फॉर्मेट को सिलेक्ट करें और अपनी जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को चूज कर लें जो चाहिए, एन ओके करें, वही फॉर्मेटिंग आपका हाईलाइट है। और हाईलाइट ये परमानेंट नहीं है, हाईलाइट तब तक है जब तक कि कंडीशन मैच हो रही है। कल के डेट में कंडीशन चेंज हुई तो आपकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन विथ डार्क, तो अभी हमारा 1860 हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये लेस देन 2000 है। मैंने यहाँ पे 2100 डाल दिया, एंटर मार्जिन देके हाईलाइट। और सेम थिंग अगर 3160 आपका हाईलाइटेड है, अगर मैंने यहाँ पे 650 कर दिया तो इसकी हाईलाइटेड हट जाए। ओके, तो ये आप जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हो तब तक हाईलाइटेड होता है जब तक उसकी कंडीशन मैच हो रही है, कंडीशन ऐसी अनमैच हुई वो अपने आप को चेंज कर देता है। क्लियर है मैम? अब यहाँ पे और क्या क्या है, जैसे ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे लेस देन, मतलब पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते। इसमें सिर्फ नंबर ही नहीं, इसमें आप डेट टाइम डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर डेट से पहले की डेट हायर करनी है, तो यहाँ पे आप जो है ग्रेटर देन यहाँ पे डेट डाल दीजिए, डेट उस डेट की बाद की डेट, या उस डेट बिफोर करेंगे तो उस डेट की पहले की डेट, ओके लेस देन करेंगे, और बिटवीन करेंगे तो टू डेट्स के बीच की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अब इसमें इक्वल टू बात करते हैं, तो मतलब कि आप जो है ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन में डेट टाइम एंड नंबर डाल सकते हैं, बट इक्वल टू में एनीथिंग डाल सकते हैं। एक एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे कि मुझे अगर 60 को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू हम 60 कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे एक नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन 2000 का लगा रखा था, इसमें मैंने वापस 60 का भी लगा दिया, मतलब कि
आप एक सेल में एक से ज्यादा एक एक लोकेशन में एक से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ तरह से मुझे अगर हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, तो यहां पे आऊंगा इक्वल और यहां पे आई की कर देता हूं, तो हमारी टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाएगी, ये एग्जैक्ट सेल वैल्यू। अब इसी तो एग्जैक्ट सेल वैल्यू बताएंगे वो वापस टेक्स्ट वाला, सॉरी टेक्स्ट वाला रिपीट करेंगे वापस, सेलेक्ट किया और यहां पे गए इक्वल टू और इसमें हमने डाल दिया आई की, कलर हो गया। कलर चेंज करना चाहे तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जैसे यहाँ पे जुलाई है, जुलाई हमने कर दिया, कहीं पे हमारा जून पूरा है राइट। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए जुलाई हाईलाइट करता हूं पूरी नेम देके JULY, तो सिर्फ जुलाई हाईलाइट हुआ, JUL था वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो मैंने क्या है कि मंथ में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे फुल है तो कहीं पे हाफ है, मैं कहीं पे जनवरी पूरा लिखा हुआ है और कहीं पे जनवरी में सिर्फ जैन लिखा हुआ है। तो अगर मैं जनवरी को हाईलाइट करता हूं तो जैन हाईलाइट नहीं होगा, और जैन हो करता हूं तो जनवरी हाईलाइट नहीं होगा। तो इस केस के लिए यहाँ एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है कि आप जो लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया JUL, तो ये जुलाई भी और JUL दोनों को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये दोनों को हाईलाइट कर देते क्योंकि ये कंटेन होता है, मतलब कि जो कंट्रोल एफ पे काम करता है ना, मिलता जुलता वर्ड, उस पे वर्क करता है कि अगर आपने जो वर्ड सेंटेंस या जो कैरेक्टर दिया है वो सिंगल हो या किसी के साथ हो, पहले हो या बाद में हो या बीच में कहीं हो, वो हाईलाइट पूरी सेल को हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट ऑकरिंग। जैसे हमें आपको बताया था कि डेट को हाईलाइट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज का डेट हाईलाइट करना है, कल का डेट हाईलाइट करना है तो इक्वल टू, या किसी डेट से ऊपर नीचे आगे पीछे हाईलाइट करना है तो हम ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे डेट हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम डेट राइट। मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना कि हमेशा करेंट सिस्टम डेट हाईलाइटेड रहे, या हमेशा सिस्टम डेट से एक दिन पहले हाईलाइट हो, एक दिन बाद का हो, इस वीक का हो, नेक्स्ट वीक का हो, क्वार्टर का हो, नेक्स्ट क्वार्टर का हो, मंथ का हो, इस तरह से। तो डेट ऑकरिंग पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपकी कंडीशन है, कंडीशन दीजिए स्टडे कल की डेट, टुडे आज की, टुमोरो द लास्ट 7 days, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो। जैसे मैंने अगर दिस मंथ दिस वीक कर दिया तो मंडे टू सैटरडे हाईलाइट कर देगा, संडे सॉरी मंडे टू संडे हाईलाइट कर देगा। अगर मैंने कर दिया नेक्स्ट वीक तो अगले मंडे से हाईलाइट करेगा। अगर हमने कर दिया दिस मंथ तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जुलाई हाईलाइट होगी, और लास्ट मंथ करेंगे तो जून हाईलाइट हो जाएगी। और जैसे ही डेट चेंज होगा, मान लो अगला आपने अगस्त में इसको ओपन किया तो फिर जुलाई आपकी हाईलाइट रहेगी, अगर आपने लास्ट मंथ सिलेक्ट किया तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां लगा सकते। अब बात करते हैं कि अगर एक सिलेक्टेड सेल में डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करनी है तो यहां से आप डुप्लीकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सीट है और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें मोबाइल नंबर लिखूं
और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ दिस नंबर इज द डुप्लीकेटेड। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे हम डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। अब जैसे मैं नंबर यहां डाल दिया और नीचे कहीं पे नंबर डालते हैं तो दोनों हाईलाइट हो जाता है, या दो से ज्यादा अगर लिखते हैं तो वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमारा डुप्लीकेट होता है। तो आपने हाईलाइट सेल्स में सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑगरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। अब अगला ऑप्शन आता है द टॉप बॉटम रूल्स, मतलब कि हमारे जो डेटा है मुझे इस डेटा में से टॉप 10 या टॉप 20 को हाईलाइट करना है या टॉप 100 को करना है, तो टॉप बॉटम में जाके यहां से आप टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे तो आपका टॉप 10 देखिए टॉप 10 में सिलेक्ट हाईलाइट हो गया, या आप बॉटम 10 को करेंगे तो बॉटम 10 आपका हाईलाइट हो जाएगा। 10 को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें आप टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज दिखेगा तो ये आपका परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, तो आप परसेंटाइल फॉर्मूले पर आऊंगा तो सुनिए इसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अबव एवरेज। अब जो सिलेक्टेड कॉलम का एवरेज यहां दिख रहा है 8141, तो अगर मैंने इस पे अबव एवरेज किया तो आपका 8141 से जो बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा, अगर मैं बिलो एवरेज किया तो इससे जो छोटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। और कल के डेट में अगर नंबर चेंज होता है तो एवरेज चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा तो हाईलाइट करता रहेगा। ऐसे आपका डेटा बार है कि इसका पोजीशन बताता है कि इस पूरे कॉलम में कौन सा डेटा का क्या पोजीशन है बार के साथ, क्योंकि बड़े बड़े डेटा पे चार्ट तो नहीं बना सकते इसलिए हमने कलर स्केल का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इसको अलग बताऊं आपको एक अलग शीट पे, तो यहाँ पे नंबर देता सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे आते हैं डेटा बार। तो बता रहा है कि 52 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी लाइन है, 41 से छोटा है, 6 सबसे छोटा है, 10 छोटा से बड़ा है, तो इजीली आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना। जर्नलिस्ट की कंपेयरिंग के लिए चार्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, चार्ट तो छोटे डेटा पे करेंगे, बड़ा बड़ा डेटा बेस पे तो नहीं कर पाएंगे ना, उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया मैम आपको? मतलब कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे से आपका डेटा बार भी बढ़ेगा। अब कलर स्केल भी डेटा बार की तरह ही होता है लेकिन वो कलर इंडिकेट करता है, जैसे कि लोअर को इसने रेड से और हायर को ग्रीन से किया हुआ, तो लोअर मैंने रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें जितना ग्रीन है उतना ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है और रेड है लोएस्ट वैल्यू, येलो जो है हमारा वो हमारा मिडल है। या इसको साफ तरीके से दिखाना चाहे तो आप आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअर मिडल अपर आइकन, और भी जैसे बहुत सारे तरीके हैं आइकन्स के आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आइकन्स का यूज और भी केसेस में होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने क्वार्टर 1 है एंड हम आपके सामने क्वार्टर 2 है। अब क्वार्टर 1 की वैल्यू 65 है, क्वार्टर 2 की वैल्यू 85 है। अब मुझे पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तो यहां पे इसके लिए कंपेयरिंग निकालना तो मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पे इजिली कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों कंपेयरिंग निकालना पड़ेगा ना, कोई कोई पहले हो सकता है ये बड़ा हो वो बड़ा हो, तो यहाँ पे आप आइकन सेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो बड़ा होगा उस पर वो एरो की मदद से चलाएगा। ठीक है,
विदाउट इसमें नो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट टॉप बॉटम डेटा बार एंड कलर स्केल एंड आइकन सेट का इस्तेमाल किया हुआ है ठीक है मैम तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए